तो देखो कस्टम यू आर बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर जैसे मनोज दे, टेक्निकल गुरु जी, टेक बर्नर, यहाँ पे चैनल का जो यू आर एल होता है बहुत छोटा सा आप लोगों को देखने को मिलता होगा। बट जब आप लोग देख सकते हो कि मेरे चैनल का यू आर एल आप लोगों को बहुत बड़ा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज आज मैं आप लोग इस वीडियो में यही बताऊंगा कि गाइज आप लोग कैसे अपने चैनल के यू आर एल को अपने छोटा कर सकते हो, यानी कि उसको एक ब्रांड की तरह आप लोग कैसे बना सकते हो। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे आप लोग का क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपका चैनल एकदम ब्रांड की तरह दिखने लगेगा और आपके चैनल पर कोई भी आप लोग कहीं पर सर्च करो डायरेक्ट यहाँ पे सर्च ये हो जाएगा। तो गाइज चलिए मैं यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से अपने चैनल को यहाँ पे लॉगिन करा। गाइज आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे अपने चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर लेता हूँ, उस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाइटी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यानी कि ovit.com यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लॉगिन ये हो गया है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे चैनल के यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे चैनल का डैशबोर्ड यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। मेरे लास्ट वीडियो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे यहाँ पे 48 आवर्स बिफोर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे कितने व्यूज और कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे मेरे बढ़े हैं। तो गाइज यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखने को मिला कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे, तो गाइज सिंपल लोग इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखने को मिला, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। तो गाइज आप लोग लेआउट में इसको ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐड करा। उसके बाद ब्रांडिंग में आप लोग अपने चैनल के वाटरमार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और बेसिक इन्फो में मेरे को यहाँ पे कस्टम यूआरएल के बारे में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज कस्टम यूआरएल लिखने से पहले आप लोग के चैनल पे दो चीज़ जरूर होना चाहिए। पहले तो आप लोग के चैनल पे कम से कम 30 दिन होना चाहिए और कम से कम आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर यहाँ पे होने चाहिए, जो कि दोनों मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। तो गाइज उसके बाद सिंपली लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिला होगा चैनल यूआरएल। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे चैनल का यूआरएल कुछ इस प्रकार से इतना लंबा सा आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक कस्टम यूआरएल फॉर यूट्यूब चैनल पे मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो गाइज मैंने उस पर क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल कस्टम यूआरएल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ इसमें कुछ और भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैं आप एज ऐड करना चाहता हूँ कुछ भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही एक्साइटेशन में टेक एक्सर पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसका यहाँ पे डन कर लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोग डन करके आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पब्लिश का ऑप्शन, तो अगर सिंपली को पब्लिश वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है, कंफर्म यहाँ हो गया। कंफर्म हो जाने के बाद सिंपली हम लोग अपने यूट्यूब का यहाँ पे ओपन करके मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे हुआ या नहीं। तो गाइज मैं इसको बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक एक्सर यहाँ पे सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे अवार्ड पे यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अवार्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाता हूँ। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे चैनल का। तो जब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे छोटा सा यह हो गया, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को दिखाया था उस टाइम मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आप लोग देखने को मिला होगा। ये बिल्कुल अब टेक बर्नर, टेक्निकल गुरु जी, मनोज जैसे चैनल की तरह यहाँ पे छोटा छोटा यह हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार से अपने चैनल कस्टमर लिख सकते हो। तो यार आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।